उत्तराखंड में भी भू माफिया सक्रिय है और कई जगह एसआरडीए की कार्रवाई के बाद भी अवैध कॉलोनियों को बनाने के साथ अवैध निर्माण जारी है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। एचआरडीए शहर और देहात क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहा, लेकिन भू माफिया और बिल्डर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों एचआरडीए ने भगवानपुर, नारसन और मंगलौर में अवैध कॉलोनी और भवनों को सील किया। इसके बावजूद रुड़की, भगवानपुर, मंगलौर और लड्डोरा क्षेत्रों में अभी भी लगातार अवैध निर्माण जारी है। यहाँ अवैध रूप से काटी जाने वाली कॉलोनियों की भरमार है। बहुत सी कॉलोनियों तो हाई टेंशन तारों के नीचे ही काट दी गई हैं और उनके ध्वस्तीकरण के ऑर्डर भी फाइलों में दबे पड़े हैं, पर विभाग की तरफ से कार्रवाई शून्य ही नजर आती है। ये जो भी जो है अनाधिकृत निर्माण करेगा, बिना स्वीकृत मानचित्र के जो अनियोजित विकास करेगा, उस पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मैं सभी से अपील करता हूँ कि जो है अपना समय पर मानचित्र स्वीकृत करा लें, समन करा लें, और विशेष रूप से अनाधिकृत लेआउट और कॉलोनी वालों से विशेष रूप से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपना जो है उस प्लॉटिंग को जो भी आप कर रहे हैं उसको रेगुलाइज करा लें, और हम अगले हफ्ते से कुछ ही दिनों बाद हम जो है इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और युद्ध स्तर पर तैयारी कर। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।